न्यू बिल्डिंग में, न्यू बिल्डिंग में, न्यू बिल्डिंग में, न्यू बिल्डिंग में, इस वक्त मैं आपको तस्वीरें हरियाणा के सिरसा की दिखा रहा हूं, जहां पे आज बिजली मंत्री चौधरी रंजीत सिंह है वो गाबा पैलेस में पहुंचे थे जो है खुला दरबार लगाने के लिए, लोगों की शिकायतें सुनने के लिए। और रानिया के स्टूडेंट्स हैं वो यहां पे पहुंच गए हैं और नए भवन में शिफ्ट करवाने की मांग की जा रही है। चौधरी रंजीत सिंह क्या कह रहे हैं स्टूडेंट से? हम बैसाखी वहीं मनाएंगे, हमारी वही होगी इस बार की। क्या बैसाखी 13 साल नहीं मनाएंगे तो कोई जाएंगे अपने नए कॉलेज में। मेरा वायदा मैं कह रहा हूं, सबने अंदर जाना, 2400 के नारे लगाए, खाना खाना सभी ने। मंडे तक हमें शिफ्ट कर दिया जाएगा। बेटा कह दिया आप बैसाखी आपकी वहीं मनाएंगे, मैंने एक हफ्ते का कह दिया आपका फैसला। सर हम बैसाखी अपनी वहीं, सर एक हफ्ते बाद भाई साहब पिक्चर अभी चौधरी रंजीत सिंह जिंदाबाद, 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 चौधरी रंजीत सिंह जिंदाबाद, 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 चौधरी रंजीत सिंह जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। तो हमारी आज हम सभी इकट्ठा हुए हैं क्योंकि हमें कॉलेज चाहिए, हमें यहाँ पे हम गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल में हमारा एक बार चल रहा है तो उसमें हमें सिर्फ 3 कमरे दिए गए हैं। हमारी बस इतनी सी मांग है कि हमारी हमें कॉलेज दिया जाए ताकि हमें जो दिक्कत आ रही है, चाहे वो पानी की हो, वॉशरूम की हो, या धूप के कारण बाहर कम क्लासेज होने के कारण बाहर धूप में बैठने की हो, बस ये सारी हमारी दिक्कत सॉल्व हो जाए क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा गर्मी आने वाली है तो हमें किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, बस इसीलिए हम सब आज इकट्ठा हुए हैं। धन्यवाद जी। सर यही बस दिक्कत चल रही है कि हमें कॉलेज नहीं मिल रहा सर, बस कब से बोल रहे हैं, 4 साल हो गए हमें, हम तो फाइनल के स्टूडेंट हैं और इनके साथ आ रहे हैं और यही बोल रहे हैं कि हमें भी जो जो हमारे 6 महीने बचे हुए हैं वो हमें मिल जाए अच्छे से हमें। धन्यवाद। हाँ जी हमें भी मेन यही समस्या है कॉलेज की है, हमें जल्द से जल्द अपना कॉलेज मिल जाए ताकि हम अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सके। सर हमारी 1 क्लास अंदर लग जाती है, बाकी हमें बाहर धूप में बैठना पड़ता है। और मेन पानी की समस्या आप भी जानते हैं, नेक्स्ट गर्मी आ रही है तो पानी सबसे ज़्यादा चाहिए। और वॉशरूम की समस्या, हमें सिर्फ 3 ही कमरे दिए गए हैं और 450 बच्चे हैं जिसमें से सिर्फ 100 बच्चे 3 क्लासों में बैठते हैं और 400 में से 300 बच्चे बाहर बैठते हैं। सर अब आप बताइए हम क्या करें, इसलिए हम आज यहाँ इकट्ठा होकर आए हैं ताकि हमें जल्द से जल्द अपना कॉलेज मिल सके। 3 रूम है जिनमें क्लासें लगती हैं और जो हाफ बच्चों की क्लास लगती है बाकी सारे बाहर बैठते हैं धूप में। और हमारे एक पार्क है और पार्क में कोई पेड़ की छाया भी नहीं है, एक ही पेड़ है उसी पेड़ के नीचे सभी बच्चे बैठते हैं। हम तो स्कूल में ही आते हैं, स्कूल में ही थे, स्कूल में ही आते हैं। हमें 3 कमरे दिए गए हैं जिसमें हमें पढ़ाया जाता है, पढ़ाया नहीं सिर्फ हमारे साथ मजाक होता है, पढ़ाया कहाँ जाता है, जब क्लासें होती है हाफ बच्चों की होती है हमारी कहाँ होती है, हमें बाहर रहना पड़ता है उसी टाइम। क्या है कुछ नहीं है, कॉलेज की बिल्डिंग बन चुकी है। हाँ बिल्डिंग बन के पूरी तरह से तैयार है लेकिन हमें वहाँ पर शिफ्ट नहीं किया जा रहा, हमें बैसाखी तक वहाँ पर शिफ्ट होना है किसी भी हाल में क्योंकि